please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. निजता का अधिकार मौलिक है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ आज फैसला सुनाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले दिन मुहर्रम को देखते हुए विजयादशमी को शाम 6 बजे के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई। जरा दशमी दिन सन्धे 6টার মধ্যে বিসর্জন করবেন তারা কিন্তু বিসর্জন করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विशाल सिक्का के सीओ पद से इस्तीफे के बाद अब नंदन नीलेकड़ी को एक बार फिर इंफोसिस की कमान मिल सकती है। रेल हादसों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश करने वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु को प्रधानमंत्री ने इंतजार करने को कहा। राम रहीम पर कल कोर्ट का फैसला आने से पहले पंचकुला में 5 लाख से ज्यादा डेरा समर्थक जुटे। राम रहीम सिंह जी के साथ हैं, हम सड़कों पर उतर जाएंगे, ऐसा फैसला होने नहीं देंगे। राम रहीम पर फैसले से पहले हरियाणा के साथ पंजाब में भी जारी अलर्ट के बीच सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख सालाना आय से बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईवे पर शराब की बिक्री पर लगा बैन शहरी इलाकों में लागू नहीं है। 27 अगस्त को होने वाली लालू यादव की रैली से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मायावती ने किनारा किया। भारत चीन तनाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कबीर शाह और हवाला व्यापारी असलम वानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने के बाद एनआईए आज गिलानी के दोनों बेटों से पूछताछ करेगी। टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से पकड़ बना रहे जियो फोन की प्री बुकिंग आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में महिला डॉक्टर पर मरीज के हमले के बाद रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपए के नए नोट के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इसके सितंबर तक आने की संभावना। देश के पूर्व और उत्तर पूर्व इलाकों में जारी बाढ़ के कहर के बीच बिहार में मौत का आंकड़ा 367 पहुंच गया। यमन की राजधानी सना के पास गठबंधन सेना के हवाई हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत। श्रीलंका और भारत के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच कैंडी में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान सरकार ने सर्कुलर जारी कर धौलपुर और भरतपुर जिले के जाटों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया।